क्वेश्चन है अगला, देखिएगा 55 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में दिया गया है फिलर गेज का उद्देश्य क्या है। तो जो फिलर गेज होता है, पहले जानिए फिलर गेज होता क्या है। फिलर गेज एक पत्ती के रूप में, एक छल्ले के रूप में इस प्रकार से इसकी बनावट होती है। यहाँ पर कई इस तरह से फिलर गेज ऐसे होते हैं, गुच्छे के रूप में होते हैं। इस साइड भी ऐसे पत्ती बनी होती है, एक उसका आकार निर्धारित होता है, उस पर लिखा भी होता है कि किस गेज की पत्ती है, कितने एमएम की है, सब लिखा हुआ होता है, इस प्रकार से होता है। अब ये जो होती है इसका उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन देखिएगा, ड्रिल किए गए छेद की गहराई जांचना। दूसरा है स्क्रूट हेड की पिच की जांच करना। तीसरा है वर्कपीस की त्रिज्या जांच करना। चौथा है मिलने वाले भागों के बीच का गैप जांच करना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच का गैप जो है, हम इस फिलर गेज से जांचते हैं कि कितना गैप है। ठीक है, इसको जांचते कैसे हैं? जांचते सबसे पहले मोटी वाली पत्ती, उससे बड़ी लगभग लगभग कि जितना गैप होता है उससे सबसे जो मोटी होती है उस पत्ती को हम उसमें डालते हैं। जो सबसे मोटी होगी वो कम गेज की होगी, जो पतली होती है वह अधिक गेज की होती है, इसमें उल्टा होता है। तो पहले उसको डालते हैं, फिर उससे छोटी या फिर उससे पतली, उससे पतली, फिर ऐसे आते आते जो उसमें चला जाएगा, और एक जो नहीं जाता है वही गैप लिया जाता है। तो ये मिलने वाले भावों की गैप की जांच करती है। पहला हो जाएगा फिलर गेज का उद्देश्य यही हो जाएगा। अगला देखिएगा 56 नंबर क्वेश्चन। इस गेज का क्या नाम है जो दिखाया गया है। ये जो होता है इससे सीट मेटल सांप में सीट को भी चेक कर सकते हैं कि कितनी मोटी सीट है, कितनी मोटी सीट है, इसी में डाल करके ये जो गैप बना हुआ है इसी में सीट, या फिर वायर भी चेक करते हैं, वायर भी इसी में डाल करके चेक करते हैं। अब होता क्या है, देखिए जो गेज होता है सीट या वायर का, जो गेज ज्ञात किया जाता है वो कैसे होता है। देखिए एक मान लीजिए एक नंबर गेज का है, एक गेज का है, एक पांच गेज का है, तो कौन सा मोटा होगा। एक गेज वाला मोटा तार होगा या मोटा वायर होगा, किसकी अपेक्षा, पांच नंबर के हिसाब से, पांच नंबर गेज के हिसाब से एक नंबर वाला अधिक मोटा होगा और ये जो है पतला होगा पांच नंबर वाला। इसमें उल्टा होता है, जितना अधिक नंबर होगा उतना ही पतला होगा, जितना कम नंबर होगा उतना गेज का जो है मोटा होता है। पहला दिया हुआ है ड्रिल गेज, दूसरा है सेंटर गेज, तीसरा है प्रोफाइल गेज, चौथा स्टैंडर्ड वायर गेज। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज। अगला देखिएगा, अगला दिया हुआ है बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। बाहरी व्यास का ज्ञात करना है, प्लग गेज। प्लग गेज क्या करते हैं, प्लग गेज के द्वारा जहां अधिक प्रोडक्शन होता है उसके आंतरिक व्यास को मापते हैं प्लग गेज के द्वारा। अब प्लग गेज से, प्लग गेज में गो नो गो बना होता है। अब देखिएगा क्या है, इस तरह से एक तरफ इस तरह से बना होगा, एक साइड इस तरह से थोड़ा सा अधिक व्यास का, बहुत ज्यादा हमने अधिक कर दिया लेकिन थोड़ा सा अधिक होता है। एक तरफ गो भाग होता है, गो भाग, एक तरफ नो गो भाग होता है, नो गो। अब गो का मतलब जिस जाप की हम जांच कर रहे हैं ये गो वाला भाग चला जाना चाहिए लेकिन नो गो वाला नहीं जाना चाहिए। यदि गो वाला भी चला जा रहा है नो गो वाला, तब भी जाप खराब है, और यदि गो वाला नहीं जा रहा है तब तो नो गो जाएगा या नहीं, तब भी जाप खराब है। लेकिन यदि नोगो वाला भी चला जाए, गो वाला भी चला जाए, तब भी जाप खराब है। यदि गो वाला सिर्फ जा रहा हो और नोगो वाला नहीं जा रहा हो तब जाप जो है सही होता है। तो ये प्लग गेज इस तरह से बना होता है। अगला ऑप्शन देखिएगा, अगला ऑप्शन है प्लेन रिंग गेज। यही ऑप्शन सही होगा क्योंकि बाहरी व्यास की जो जांच करता है वो प्लेन रिंग गेज ही करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
टेपर रिंग गेज, टेपर रिंग से टेपर की जांच होती है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज, इससे भी जो प्रोग्रेसिव प्लग गेज होते हैं इसमें गो नो गो एक ही साइड होता है, इससे भी आंतरिक व्यास का ही जांच हो सकता है, इसलिए ए भी नहीं सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्लेन रिंग गेज। अगला देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक साथ यदि स्लिप गेज को जोड़ा जा रहा है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को रिंगिंग कहते हैं, बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए ग्लेजिंग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी पिनिंग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी लोडिंग दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी व्रिंगिंग दिया हुआ है, तो यही व्रिंगिंग सही हो जाएगा, उस प्रक्रिया को व्रिंगिंग के नाम से जानते हैं। अगला 59 नंबर क्वेश्चन, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, पहला है इनवार स्टील, दूसरा है हाई स्पीड स्टील, तीसरा है उच्च कार्बन स्टील, चौथा है स्थिर क्रोमियम स्टील। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, स्थिर क्रोमियम स्टील। साइन बार जो होता है स्थिर क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, इस प्रकार से होता है। इसके नीचे इस प्रकार से रोलर लगे होते हैं, दो रोलर लगे होते हैं, इसी रोलर को हम जहां पर जांच करना होता है, जैसे इस भाग का जांच करना है, इस तरह से इसी तरह से उस पर जो है जांच हम करते हैं साइन बार से, इससे कोण का भी मान ज्ञात हो जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। तो ये क्रोमियम स्टील का बनाया जाता है, इस प्रकार से आकार होता है। इसकी लंबाई कहां से कहां तक ली जाती है, दो रोलरों के बीच की इसकी लंबाई ली जाती है, दो जो रोलर होते हैं इनके जो केंद्र होते हैं इन्हीं के बीच को जो है, इन्हीं दोनों की जो दूरियां होती, इन्हीं केंद्रों की जो दूरियां होती हैं, इन्हीं केंद्रों के जो बीच की दूरी होती है, उसी से हम साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला दिया हुआ है, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट करते हैं। तो साइन बार की लंबाई अभी बताया गया है, दो जो रोलर हैं, रोलरों के बीच या रोलरों के केंद्र, दोनों रोलरों के केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसे ही हम साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पहला देखिएगा रोलर के बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, दूसरा दिया हो रोलर के आंतरिक बिंदु, तीसरा है रोलरों के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रोलरों के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनता है। जब जांच करते हैं तो किस इस प्रकार से फिगर बनता है, देखिएगा कुछ इस प्रकार से फिगर बनता है, इस पे ऐसे साइन बार रखते हैं और ऐसे ही साइन बार रख करके हम इसका जांच करते हैं। इसमें यदि कोई ये कोण थीटा हो जाता है तो जब कोण थीटा होगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो जो साइन बार की लंबाई होती है ये जो कर्ण हो जाता है, तो कर्ण जो है साइन बार का लंबाई है, अर्थात यहां पर पूछा गया त्रिभुज का कर्ण कौन बनाता है। तो कौन बनाता है, सरफेस प्लेट, सरफेस प्लेट बनाती नहीं, साइन बार की चौड़ाई, साइन बार की ये चौड़ाई ये बनाती नहीं, साइन बार की लंबाई यही साइन बार की लंबाई होती है, दोनों रोलरों के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी साइन बार की लंबाई कहलाती है और यही जो है त्रिभुज का कर्ण बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, साइन बार की लंबाई।